Good morning, students. So we were revising first chapter of business studies. So continuing further, business risk हम कर रहे थे. Business risk का meaning कर लिया था. Types of business risk कर लिए थे. So I am just repeating the meaning of business risk. What is business risk? It refers to the possibility of earning inadequate profits. Or even of suffering losses due to uncertainties, due to certain events, uncertainties, unforeseeable circumstances, which are beyond the control of businessmen. ठीक है? अगर ऐसे circumstances हों जिसको businessman control कर सकता है, तो कोई risk नहीं होगा. लेकिन there always are certain circumstances, external factors, you can say, आप plus two में भी पढ़ेंगे, जो कि businessman के control के beyond है, ठीक है? So due to those unforeseen circumstances, the business has the possibility of earning inadequate profits or even of incurring losses. These are called as business risk. Now let us study about the nature of business risk. Business risk, it arises due to uncertainties. Nature क्या है business risk की? ठीक है, इसके characteristics क्या है? First, it arises due to uncertainties. Business risk जो है, it is the result of uncertainty. Uncertainty जो है वो किसी भी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो अनसर्टेनिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस और नॉट. ठीक है, सो जो बिजनेस की डिसीजन है बेटे, वो फ्यूचर से रिलेट करती हैं. आज हम जो भी डिसीजन लेते हैं, लेट अस से कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कोई एसयूवी का नया मॉडल निकाला. ठीक है, कि आज का यूथ जो है एसयूवी पसंद करता है, लेकिन ये जो डिसीजन वो आज ले रहा है, ये जो कार की डिजाइनिंग आज हो रही है, आज डिसीजन ली जा रही है, ये 6 महीने बाद मार्केट में आएगी. ठीक है, तो उस टाइम तक इकोनॉमी में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम प्रिडिक्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो एनी बिजनेस डिसीजन इज रिलेटेड विद फ्यूचर इवेंट्स. एंड कैन फ्यूचर बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी? नो. मतलब अभी आपको एग्जाम्पल देने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है. जितनी अनसर्टेनिटी आपने अब अपने इस 2 सालों में देखी है, वो कभी नहीं देखी होगी. यू कुड हैव नेवर इमेजिन्ड दैट सच अ सिचुएशन वुड कम, दैट यू वुड हैव टू सिट एट होम एंड स्टडी, राइट? सो दिस इज एन आंसर. और एनी बिजनेसमैन माइट नॉट हैव यू नो और थॉट ऑफ इट कि उसको घर बैठना पड़ जाएगा 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाएगी. ठीक है, तो बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं, और फ्यूचर को हम 100% एक्यूरेसी से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, there could be technological changes, there could be strikes, lockouts, there could be a natural calamity, there could be theft, there could be change in the government policies, there could be changes in demand. All these are the few examples of uncertainties which create risk for the business. ठीक है, so this is the first point of nature of business risk, that it arises or it is the result of uncertainties. ठीक है, second, risk is an essential part of every business. बेटे risk जो है वो एक unavoidable feature है हर business activity का. No business can be run without an element of risk in it. कोई भी business ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क का कोई एलिमेंट नहीं है. हाँ,
द डिग्री ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. किसी में ज्यादा रिस्क है किसी बिजनेस में, किसी बिजनेस में कम रिस्क है, ठीक है. लेकिन रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर. रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन हम इसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते. मास्क पहन लो जिन्होंने नहीं पहने हुए. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस हो गया. मैंने तभी आपको लेट बोला बेटे सुयश. ऑल राइट, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस में कितना रिस्क है मैंने बताया, इट वेरीज. रिस्क इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस बट इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. किसी में ज्यादा रिस्क, किसी में कम रिस्क. अब ये जो रिस्क की डिग्री है इसका मतलब ये वेरी करती है किसके साथ वेरी करती है. इट वेरीज विद साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. इफ यू आर इन टू स्मॉल साइज, आप देखो बेटे सीधी सी बात है, जितना पैसा डाला है उतना रिस्क है ना. छोटे बिजनेस में कम पैसा डलेगा तो कम रिस्क होगा, बड़े बिजनेस में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है तो ज्यादा रिस्क होगा, ठीक है. सो स्मॉल साइज्ड बिजनेस सफर फ्रॉम लेस रिस्क वेयर एज देयर इज अ मोर रिस्क इन लार्ज साइज बिजनेस, ठीक है. सेकेंडली, नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, लेट से चलो पेरिशेबल कमोडिटीज में डील करते हैं. पेरिशेबल कमोडिटीज गेट डिस्ट्रॉयड सून, तो वंस दे आर नॉट सोल्ड यू नो दे गेट पेरिश्ड. उनको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं, हम उनको अगले सीजन के लिए संभाल के नहीं रख सकते हैं, ठीक है. तो अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं बिकते हैं आपका लॉस हो जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्यूरेबल गुड्स में डील करते हैं और आपका सामान नहीं बिका, सीजन चेंज हो गया, यू कैन प्रिजर्व इट फॉर नेक्स्ट सीजन, ठीक है. सो डिपेंड्स अपॉन, कोई भी नेचर की कितनी मर्जी एग्जाम्पल्स ऐसे ले सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रिस्क है, ट्रेडिंग में कम है, ठीक है. सो इट वेरीज और इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. देन लास्ट नेचर, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. रिस्क एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का, मतलब बिजनेस किया तो रिस्क है, होगा ही होगा. व्हाई वुड यू टेक रिस्क देन. आप कहते हो मैम बिजनेस में इतना बड़ा रिस्क है, मैं तो नहीं बिजनेस करने वाला, क्यों करूंगा मैं बिजनेस. स्टिल पीपल आर डूइंग बिजनेस. व्हाई आर दे डूइंग सो, बिकॉज दे नो इफ दे टेक दिस रिस्क दे विल गेट रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है. ऐसा कहा भी जाता है हायर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट. ऐसा नहीं है किसी ने इतने परसेंट रिस्क लिया तो उतने परसेंट ही उसको प्रॉफिट है, इतना भी एक्यूरेट हम इसको नहीं कह सकते. क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसमें एक कैपेबिलिटी होती है, वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है. वो एक व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत वायरल होता है ना कि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसकी दीवार बना लो, ठीक है. दिस इज व्हाट ही डज अ बिजनेसमैन, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता है, ब्रिज बनाता है, वॉल बनाता है, ठीक है. तो इवन दो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट वी कैन नॉट से इट इज 100% करेक्ट, ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क. कमिंग टू द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. बेटे बिजनेस के बहुत ज्यादा कारण होते हैं, तो उनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज. समटाइम्स द रिस्क अराइजेस फ्रॉम नेचुरल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक,
फ्लड्स, ठीक है, सुनामी, ड्राउट, स्नोफॉल, साइक्लोन, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज के करके अगर आपके बिजनेस को कोई नुकसान होता है, आपकी इनकम को, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो इनको कहा जाता है नेचुरल कॉजेज, ठीक है। सो ये जो लॉस नेचुरल कॉजेज के करके होता है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इट इज अनअवॉइडेबल, वी कैनॉट प्रिडिक्ट इट, वी कैनॉट अवॉइड इट। सो ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन से दे हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचर, हमारा नेचर। सी, आप जब, वही मैं कह रही हूँ कि अभी जो हमने टाइम देखा, तो इनिशियली जब ये कोविड आया तो एवरीबडी वुड बी सेइंग कि देखो ह्यूमन बीइंग्स ने हद की हुई थी, दे हैड बिकम सो ग्रीडी, तो ऐसा तो होना ही था, है ना। सो इवन दो इट माइट नॉट बी इन केस ऑफ वायरस, इट माइट नॉट बी 100% ट्रू, बिकॉज वी आर नॉट सर्टन अबाउट द ओरिजिन of this virus, whether it is artificial or natural, but whenever natural calamities come, jab bhi a landsliding hoti hai, theek hai, uske piche human hands hote hain, kyunki what we are doing, we are playing with nature, hum pahad tod tod ke wahan pe shops bana rahe hain, ghar bana rahe hain, hum nature ka ek jo balance hai wo disturb kar rahe hain, to isiliye natural calamities jo hain wo zyada se zyada बढ़ती जा रही है, तो हमारा उसके ऊपर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो यू कैन गिव वन एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर इन द ईयर 2000, आई गेस, या इन द ईयर 2000 जनवरी 26, देयर वाज अ ह्यूज अर्थक्वेक इन गुजरात, तो इन दैट लॉट ऑफ बिजनेसमैन डाइड, लॉट ऑफ बिजनेसमैन सफर्ड लॉसेस, मेनी पीपल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिस्क, so I'm giving you example only of businessmen, so usme koi control kuch bhi nahi kar paya, theek hai, so business risk ka ek karan kya bana, natural causes, all right, human causes can also be another responsible for business risk, human beings, how are they responsible for losses, anyone, डिसऑनेस्टी, ओके, ह्यूमन बींग्स, आपका मैनेजर डिसऑनेस्ट हो सकता है, आपने उसको भेजा कि यहाँ से पेमेंट ले आ, ठीक है, आपने केरला भेजा, उसको पेमेंट लाने के लिए उसने 5 लाख रुपए ले लिए और आके आपको 1 लाख रुपए दिए, आपने कहा कि वो बिजनेसमैन जी वो बंद करके अपने घर में बैठा हुआ, मैंने तो किसी तरह से उससे 1 लाख रुपए निकलवा लिए, बाकी की पेमेंट नहीं आने वाली, ठीक है, डिसऑनेस्टी। और स्ट्राइक्स, आपके वर्कर्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, या आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपका ट्रेड यूनियन का लीडर है वो बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी कंडीशंस नहीं मान रहे हैं, तो स्ट्राइक्स। बेटे जब बिजनेस की, एक दिन बड़ा बिजनेस होता है ना, एक दिन भी वो काम ना चले तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ती है, मशीन्स नहीं चल रही है, लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है हर बिजनेस की, जो कि उसको इनकर करनी ही पड़ती है, ठीक है, तो ये नुकसान हो जाता है उनको ड्यू टू स्ट्राइक्स, ड्यू टू, ऐसा नहीं है बेटे, यू हैव नॉट सीन, दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट हैपन, ट्रेड यूनियंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सी यू आर लिविंग इन जलंधर, हेयर देयर आर नो बिग फर्म्स, लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, वहां पे जो वर्कर्स हैं वो उनका ट्रेड यूनियन बनाना जरूरी होता है, तो वर्कर्स की ट्रेड यूनियन आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो यूनियन का लीडर होता है ना, अगर वर्कर्स की कोई भी कंडीशंस है, देखो भाई एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है, यू कांट से एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट देयर, इंडिया में लेबर की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, हम लोग हर कोई अपने लेवल पे लेबर को एक्सप्लॉयट करते हैं, आप शोरूम में जाओगे वहां पे जाके किसी से नेगोशिएट नहीं करोगे, 5000 की चीज या 4999 की चीज आप लोगे ना, आप 5000 रुपए दे के आ जाओगे कि 1 रुपया अपने पास रख लो, लेकिन रिक्शा वाले से आप 1 रुपए की भी नेगोशिएशन करते हो, करते हो कि नहीं करते, हम सब करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में भी एक्सप्लॉयटेशन, चाइना में तो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन है लेबर की, ऐसे नहीं वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है,
तो अगर आप उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं प्रोवाइड करते हो, वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, 8-8, 10-10 घंटे वो कमरे में रहते हैं और कोई वेंटिलेशन नहीं है, या प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, या उनको वेजेस अपनी कम लग रही है, दे कैन कन्वे दिस टू देयर यूनियन लीडर, ठीक है, और यूनियन लीडर जो है वो फिर आगे मैनेजमेंट को कन्वे करते हैं, अगर मैनेजमेंट उनकी कंडीशंस को नहीं मानती है तो स्ट्राइक्स पे उतर आते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप कहते हो कि है नहीं, दो भी दिन पहले तो आपने देखी है स्ट्राइक्स, आपको नहीं मालूम जो किसानों ने अभी प्रोटेस्ट किया, व्हाट वाज दैट, दैट वाज अ प्रोटेस्ट, एक ही बात है बेटे, ये फार्मर्स अगर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट लेबर, ठीक है, देयर यूनियन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, जनरली जो ट्रेड यूनियन, आई नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट दे आर लाइक काइंड ऑफ यू नो वेरी स्ट्रांग पीपल, यूनियन का जो लीडर बनता है ना वो कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शंस वाला बंदा ही जनरली बनता है, ठीक है। तो इस तरह के जब एम्बेजलमेंट बाय मैनेजर या पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को धोखा दिया, या मैनेजर ने पेमेंट रोक ली, ठीक है, डिसऑनेस्टी की, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इसके करके भी बिजनेस को नुकसान हो सकता है। सो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ह्यूमन कॉजेस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस, बेटे इकोनॉमिक कॉजेस आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, इकोनॉमी में, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया, ठीक है, मोबाइल फोन्स, सेल्फी वाले आ गए, अब तो चलो ये भी पुरानी एग्जांपल ही होगी मुझे लगता है, और नए एडिड फीचर्स आ गए मोबाइल में, तो पुराने मोबाइल, या अब ऑनलाइन क्लासेस के करके अब ऑल ऑफ अस वी हैड टू बाय न्यू मोबाइल्स, रीजन बीइंग हमारे फोन में रैम कम थी, बच्चों की नोटबुक्स, बच्चों के पेपर सेव नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो डिमांड में चेंज आ गया, ज्यादा रैम वाला आपको मोबाइल चाहिए, आपको अब ऐसा मोबाइल चाहिए जो आपका मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप का भी पर्पस सॉल्व करता है, यू डोंट नीड टू कैरी योर लैपटॉप एनीवेयर, है ना, तो डिमांड में चेंजेस आने के करके आपके जो पुराने मॉडल हैं मोबाइल के उनका प्राइसेस लो हो गए, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, तो उनको प्रॉफिट या नुकसान, प्रॉफिट कम हुआ या नुकसान होना शुरू हो गया, ठीक है। सो ये फ्लक्चुएशंस, मार्केट में रिसेशन आ गया, अभी मार्केट में रिसेशन आया हुआ है कोविड के करके, कैपिटल की कमी आ गई, पहले तो प्रोडक्शन बंद रही, बेटे बिजनेस जो है ना वो साइकिल ऑपरेशन, ऐसे साइकिल में चलता है, अगर ये कहीं ना कहीं ये साइकिल रुक जाएगा ना तो इट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस। आपने प्रोडक्शन कर ली, ठीक है, प्रोडक्शन मार्केट में आ गई, मार्केट में सेल नहीं हुई, आपको पैसा ही नहीं आना, वर्किंग कैपिटल नहीं आएगी, आप अगले साइकिल का रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाओगे, है ना, तो या आपने प्रोडक्शन कर ली, लॉकडाउन लग गया, सामान आपके गोडाउन्स में ही रह गया, अब आप आगे कैसे प्रोडक्शन करो, जब तक वो ही नहीं बिकेगा आप कहाँ से कैपिटल लेके आओगे, कहाँ से लेबर की वेजेस दोगे, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओगे, आपके पास कैपिटल की डेफिशिएंसी आ गई। सो अभी जो हमारी इकोनॉमी ने सिचुएशन देखी, लॉकडाउन रहा, प्रोडक्शन बंद रही, लोगों की इनकम सफर करी, जिस करके लोगों की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी गिरने लग गए, और फॉलिंग प्राइसेस के करके भी लोग गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, तो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ गई इकोनॉमी में, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रिसेशन, जब प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिसेशन। यू बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, आपको कोई पूछ सकता है कि भाई क्या इसका क्या मतलब है, कहते हैं रिसेशन चल रहा है, आपके नॉन मेडिकल के फ्रेंड्स आपको पूछ सकते हैं कि सुनने में आया इकोनॉमी रिसेशन में है, क्या मतलब, सो व्हाट डज इट मीन दैट द डिमांड इन ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी इज फॉलिंग, प्राइसेस आर फॉलिंग, प्रॉफिट मार्जिन आर फॉलिंग, सो दिस इज द पीरियड ऑफ रिसेशन। तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ गया बेटे, तो फिर क्या होगा, आपके गुड्स की डिमांड
कम हो जाएगी, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो लॉसेस, रिस्क या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या लॉसेस. सो ऑल दीज आर इकोनॉमिक कॉजेज. गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने लेट्स से आप एक्सपोर्ट कर रहे थे गुड्स, गवर्नमेंट ने कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज ला दिया तो आपके गुड्स धरे के धरे रह गए, एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाए. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया. सो ऑल दीज आर इकोनॉमिक कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस रिस्क. देन देयर कुड बी अदर कॉजेज. अदर कॉजेज में इंक्लूड फिजिकल कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज. फिजिकल कॉजेज कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल कॉजेज, आपकी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, जर्मनी की मशीन है ब्रेक डाउन हो गई, उसको रिपेयर करने के लिए जर्मनी से टेक्नीशियन आएगा तो उसको एक महीने का टाइम लगेगा. ठीक है, तब तक आपकी मशीनरी बंद रहेगी, आपको नुकसान हो सकता है. देन पॉलिटिकल कॉजेज, गवर्नमेंट ने जैसे GST इंट्रोड्यूस किया था पीछे, डीमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक में आ जाएगा. चलो GST एक लॉ पास किया कि ऑल द टैक्सेस विल बी रिप्लेस्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसके करके प्रोड्यूसर्स को GST के करके उसको सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, टैक्स देने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ने थे, तो इसीलिए प्रोडक्शन केम टू अ हॉल्ट. ट्रेडर्स ने गुड्स मंगवाने बंद कर दिए, प्रोड्यूसर्स ने बनाने बंद कर दिए, तो इस करके भी बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है. ठीक है, सो कोई भी लॉ गवर्नमेंट जब चेंज, या गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, ठीक है, इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट में चेंज आ गया, तो नेचुरली नई गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसीज लेके आएगी, तो हो सकता है एक गवर्नमेंट एक सेगमेंट को बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी, से रियल इस्टेट को बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी. रियल इस्टेट समझते हो, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं जो, घर कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको फेवर कर रही थी. अब ये गवर्नमेंट चलेगी, नई गवर्नमेंट आई, ये फार्मर्स को ज्यादा फेवर करती है, तो रियल इस्टेट वाले लॉस सफर करेंगे, होगा या नहीं? सो दिस इज कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. इसके ऊपर काफी MCQs आपके बन सकते हैं, आपको केस स्टडी भी आ सकती है, सिंपल एक दो स्टेटमेंट्स आ सकती है कि इस बिजनेस को इस करके नुकसान हुआ, आइडेंटिफाई कौन सा कारण है, ये पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर. यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. हाउ डू वी क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज? लाइक आई टोल्ड यू, किसी के फादर जो है वो शॉप रन करते हैं, किसी की फैक्ट्री है, कोई फार्मर है. ठीक है, इन सबसे जब पूछा जाता है कि क्या काम करते हैं आपके पेरेंट्स, किसी का बुटीक है, किसी का पार्लर है, तो वो कहते हैं ही इज अ बिजनेसमैन, विच मीन्स बिजनेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज. सो फॉर सिंप्लिसिटी सेक वी क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज इनटू टू मेन कैटेगरीज, विच आर दीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो विच इज अ वाइडर टर्म नाउ, बिजनेस और कॉमर्स? बिजनेस, बिकॉज बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. व्हाट इज इंडस्ट्री बेटे? इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसकी कोई या उसको प्रोड्यूस करके या उसको प्रोसेस करके उसको एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को कलेक्टिव टर्म जो है दी जाती है, दैट इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी categories? Three, which are primary industry, secondary industry and tertiary industry. Okay, what are primary industries? Primary industries which are related with man's natural environment, which are related with man's natural environment.
these are concerned with extraction, production and processing of natural resources. ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम रॉ मटेरियल को या तो एक्सट्रैक्ट करते हैं लैंड से, अर्थ से, वाटर से, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कुड बी कैटल, इट कुड बी हेंस, इट कुड बी फिश, उनकी रिप्रोडक्शन होती है, उनकी ब्रीडिंग होती है. ठीक है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कह लो और प्लांट्स की भी. प्लांट्स रिप्रोड्यूस या ब्रीड किए जाते हैं, सिमिलरली एनिमल्स रिप्रोड्यूस और ब्रीड किए जाते हैं. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एटसेट्रा, दीज आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज, सो दे कम अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिव. तो जो मैंने पहली लाइन बोली रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें क्या आएगा, वो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. ठीक है. चाहे आप रिवर से एक्सट्रैक्ट करो, चाहे आप बेटे टिम्बर फॉरेस्ट से जाके टिम्बर लेके आते हैं ना, वो भी एक्सट्रैक्टिव है. सॉयल ने हमें दिया ना ट्री, हम ट्री को काट रहे हैं, ये भी एक्सट्रैक्टिव में आएगा. ठीक है. मिनरल फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के बिलो से हम मिनरल्स लेते हैं, वो भी एक्सट्रैक्टिव है. ठीक है. हंटिंग, फार्मिंग, लंबरिंग, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अब जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड, जैसे कि फिश को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. जैसे कि स्टील एक्सट्रैक्ट किया, स्टील का ओर होते हैं ना बेटे, जिसमें से हम स्टील निकालेंगे, उसमें फिर हमने उसको स्टील में कन्वर्ट किया. गॉट इट. ओके. सेकंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री. सो दीज आर कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेयरी फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, नर्सरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, पीसी कल्चर जहाँ पे फिश की कल्टीवेशन होती है आर्टिफिशियली, जब फिश को कल्टीवेट करते हैं, जब आपके घर में, अगर किसी के घर में वो एक्वेरियम है तो आप फिश लेने जाते हो, वो फिश डिफरेंट कलर्स की होती हैं, दे आर नॉट नेचुरल, दे आर ब्रीडेड, कल्टीवेटेड, उनको कल्टीवेट किया जाता है, कल्चर्ड होती हैं वो. जब भी कोई वर्ड कल्चर्ड यूज करता है ना, इट मीन्स दे आर आर्टिफिशियली ब्रीडेड, उनको पॉन्ड्स में एक आर्टिफिशियल कंडीशंस में उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, वहां पे उनकी ब्रीडिंग होती है, वो सीधा हम रिवर से नहीं लेके आते हैं, कल्चर किया जाता है. ठीक है. सो ऐसी इंडस्ट्री को किसमें आएगी, वो जेनेटिक में. ओके. सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. वॉट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? Which takes its raw material from the primary industry and processes it to make finished good, which has the capability of satisfying human wants. Secondary industry can further be classified into manufacturing and construction. Manufacturing, पता है आपको, raw material को finished good में जो convert करती है.
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर कितने तरह की होती है? फोर टाइप्स. विच आर दोज? एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग. एनालिटिकल किससे वर्ड बने? एनालाइज से. एनालाइज मीन्स ब्रेक डाउन, डीपली देखना, उसको ब्रेक डाउन करना. तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है बेटे जिसमें एक गुड को डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. रॉ मटेरियल एक है, फिनिश्ड गुड ज्यादा निकलते हैं. एग्जाम्पल क्रूड ऑयल इंडस्ट्री. हम क्रूड ऑयल लेके आते हैं सऊदी अरेबिया से, उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं इंडिया में, उसके हमारे पास चार या पांच बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, लाइक पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, वैक्स, गैस, ठीक है, वैसलीन जो होती है एंड गैस, ये बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट में ब्रेक डाउन कर देती है, उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री. एज ऑपोजिट टू इट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिक वर्ड कहां से बने? सिंथेसाइज, मिक्सिंग. तो इसमें हम रॉ मटेरियल को डिफरेंट रेशियोज में मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोप इंडस्ट्री. सोप इज मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स मिक्स्ड इन डिफरेंट रेशियोज. और केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ये जो पेंट होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं एंड वी गेट वन फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, बाकी कल करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.